मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा बाईपास के किनारे आज सुबह सुबह एक पेड़ से लटकता हुआ एक व्यक्ति का शव मिला है। बता दें आपको कि सुबह के वक्त में महिलाओं ने इस पेड़ से लटकते हुए इस शव को देखा और इसकी जानकारी मुमरा पुलिस को दी। आपको बता दें कि मुमरा बाईपास सम्राट नगर के पास जो हनुमान मंदिर है उसी वहीं पर एक पेड़ है और उसी पेड़ में इस व्यक्ति ने फांसी लगाई है। आसपास के लोगों ने बताया है कि ये व्यक्ति यहाँ का रहने वाला नहीं है। पुलिस ने इस शव की जब तलाशी ली तो इसके पास से एक आधार कार्ड बरामद हुआ है और एक सुसाइड नोट भी मिला है। आधार कार्ड पर जो इस व्यक्ति का नाम है उसका नाम पेशकार लिखा हुआ है और इसका जो एड्रेस पता है वो उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के बनटिकरा भानपुर का है। इस व्यक्ति ने सुसाइड नोट में लिखा है कि वो काफ़ी परेशान है, किसी बीमारी से परेशान था, डॉक्टरों से कई बार इलाज कराया लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये भी लिखा है कि ज़िंदगी में एक दो घंटे की तकलीफ हो तो वो बर्दाश्त कर ले, मगर 24 घंटे की तकलीफ करीब वो 22 से 25 साल से तकलीफ उठा रहा है। और सुसाइड नोट में इसने एक बात का जिक्र और किया है कि बुज़ुर्गों ने कहा था कि तंदुरुस्ती ही दौलत है। साथ ही उसने आखिरी इच्छा भी इस सुसाइड नोट में जाहिर की। सुसाइड नोट में लिखा है इसने कि पुलिस साहब मेरी लाश को मुमरा कब्रिस्तान में रखवा देना, मेरी अंतिम इच्छा है, पूरी जरूर करना। हालांकि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए कलवा छत्रपति शिवाजी हॉस्पिटल भेज दिया है और इस पूरे मामले की आगे जाँच पड़ताल कर रही है।